नमस्कार दोस्तों, यदि आपने भी IIBF का एग्जाम दिया है और एग्जाम को देने के लगभग आज 40 से 50 दिन होने वाले हैं और आपके पास अभी भी आपकी ईमेल आईडी पर आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना स्वयं ही अपना IIBF का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आपको इसको डाउनलोड करना है। आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको IIBF का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बॉक्स में डालना है आपको IIBF सर्टिफिकेट डाउनलोड। जैसे ही आप इसको लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड ई सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट पहले ही नंबर पर आपके सामने खुलकर आ जाती है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, जिसको आप सीधे वहाँ से कॉपी करके ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर पहले है ऑप्शन में हमको अपना मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना होता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपके पास एक ईमेल आया होगा, उस ईमेल पे उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके सामने IIBF की तरफ से एक ट्रांजेक्शन डिटेल, जिस समय आपने आपने फॉर्म भरा था उस समय फीस कटते ही आपके सामने एक एग्जाम एनरोलमेंट एक्नॉलेजमेंट आती है, उस पर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आया हुआ होगा, जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त पहले दिन ही हो जाता है। यदि आपके पास ईमेल आईडी भी नहीं है और आपको मेंबरशिप आईडी याद नहीं है तो आपको एक दूसरा ऑप्शन है कि आपने जहाँ भी एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद एक स्कोर कार्ड प्राप्त हुआ होगा, जो कि स्कोर कार्ड आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आपको मिला होगा। वो एग्ज़ाम सेंटर में जो स्कोर कार्ड आपको प्राप्त हुआ है उस पर भी आपके सामने कुछ इस तरह से आपका मेंबरशिप आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, तो आप यहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। यदि आपके पास इन दोनों जगह से डिलीट हो चुका है, आपके पास स्कोर कार्ड भी नहीं है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर प्रोवाइड करा दूंगा जो कि IIBF सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है। आप वहाँ पर कॉल करके भी अपना मेंबरशिप आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इस मेंबरशिप आईडी को अपने पास ले आते हैं तो यहाँ पर आप अपना मेंबरशिप आईडी नॉर्मली यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालना होता है। ये कैप्चर कोड अगर आपको रीडेबल नहीं लगता है तो यहाँ रिफ्रेश चेंज इमेज पर क्लिक करके आप अपना इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं आपके डाटा को फैच किया जाता है और OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपने जो भी ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया था उस पर आपके सामने एक OTP प्राप्त हो जाता है, जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। OTP आने के बाद हमको यहाँ पर OTP को अपना डालकर इसको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पर हम सबमिट OTP पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट OTP पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे मेम्बर्स का जो भी डाटा है वो सामने निकल कर आ जाता है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और उसका एग्ज़ाम। उसके बाद यहाँ नीचे सिंपली ऑप्शन आता है डाउनलोड सर्टिफिकेट और यहाँ पर हमें सिंपली डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोडिंग में यहाँ पर हमारे पास पहुँच चुका है और ये देखें हमारे सामने हमारा सर्टिफिकेट निकल कर आ चुका है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम ब्राउज़र का प्रयोग ना करें। वहाँ पर सर्टिफिकेट एरर की वजह से आपका डाउनलोडिंग शो तो होगा लेकिन आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। उसके अलावा एक दूसरी चीज़ यहाँ पर है, इस समय यहाँ पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, यहाँ पर सिग्नेचर को आप इस समय आप वेरीफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे करके वेरीफाई करना है उसके लिए अगर आपके लैपटॉप में सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ नीचे देखें यहाँ HTTP IVF वैलिडिटी सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और सर्टिफिकेट को अपने फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ये आप आसानी से इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना IIBF का सर्टिफिकेट घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।